कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। कुष्ठ रोगियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रखी गई कार्यशाला, 15 दिन तक अलग अलग जगह चलेगी कार्यशाला। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि चिकित्सा विभाग कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन के मौके पर कुष्ठ रोगियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिस्पेंसरी ऑफिसर, आशा सहयोगिनी व चिकित्सा विभाग से जुड़े लोगों ने भाग लिया। कुष्ठ रोग कार्यशाला 15 दिन तक चलेगी, जो कि न सिर्फ अजमेर में बल्कि हर जगह कार्यशाला रखी जाएगी। जैसा कि सर्वविदित है, आज का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गांधी जयंती के रूप में चिकित्सा विभाग भी कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में मनाता है। और पिछले वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी श्रीमान प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक जन स्वास्थ्य के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में स्पर्श कुष्ठ रोग जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत पूरे ज़िले में समस्त ब्लॉक CMO, समस्त सेक्टर प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं, सिटी डिस्पेंसरी प्रभारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आज के दिन जहाँ जहाँ कुष्ठ रोगी है उन्हें बुलाकर और आम लोगों के समक्ष उनका परिचय कराएं, और क्योंकि वो इलाज कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन दें, तथा लोगों में जो भ्रांति है कि ये दैवीय प्रकोप है या छूतछात का रोग है या ठीक नहीं होने वाला रोग है या इसके अंग अपने आप गिर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक जीवाणु की तरह रोग है जिसका इलाज संभव है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि लंबा है, शुरुआती दौर पे मरीज इसके स्किन के अलग अलग इलाज के रूप में इधर उधर भटकते रहते हैं, और अगर शुरुआती दौर पे इसके लक्षण की जांच हो जाए और मालूम पड़ जाए कि वो कुष्ठ रोगी है तो 6 महीने और 1 साल, दो तरह के रोग का इसका इलाज है, वो भी सरकार की तरफ से निःशुल्क है। तो जन जागरूकता का इसलिए आवश्यकता है कि जहाँ कहीं भी चकता हो, जहाँ कहीं स्किन का रोग हो, उसमें सुनता हो, है ना, मरीज को छूने से भी एहसास नहीं हो, तो ऐसे मरीजों को तत्काल किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं को और ANM को निर्देश दिए गए हैं कि डोर टू डोर सर्वे में ऐसे मरीजों की भी खोज करें और तत्काल नज़दीकी सेंटर पर उसे ले जाएँ। और आम जन में ये भी जागरूकता की जा रही है कि मेहरबानी करके नीम हकीमों के चक्कर में नहीं पड़े, ना किसी तांत्रिकों में, क्योंकि इसका इलाज संभव है। सर, आज क्या किया गया? हाँ जी, आज क्या किया गया? आज कार्यशाला रखी गई है, सिटी डिस्पेंसरी के समस्त मेडिकल ऑफिसर्स, ANM और आशाओं को बुलाया गया है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी ये कार्यक्रम है। कल आर्मी हॉस्पिटल नसीराबाद में भी ये कार्यक्रम रखा गया है, और पूरे 15 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। डोर टू डोर सघन अभियान भी चलेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे विश्व में भारत का एक अलग से एक नाम होने जा रहा है कि इसके टीके का भी इजाद कर लिया गया है, और करीब 5,000 जो डेंसली लेप्रोसी के पॉपुलेशंस हैं, जहाँ जहाँ पॉकेट्स हैं, वहाँ पे सर्वे किया गया है, कुछ रोगियों की पहचान की गई है। और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुजरात और बिहार में कुछ लोगों को इस पे टीके का वो शुरुआत होगी। 2016 में इसकी इजाद की गई है, और संभवतः इस साल वो लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, और बहुत जल्दी ये मार्केट में आ जाएगा। डॉक्टर लाल तनाली, डिप्टी CMHO अजमेर, नोडल अधिकारी, लखनऊ।